हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दमन दीव PR2 चंडीगढ़ JBT NTT DSSSB या BPSC TRE 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करेंट अफेयर्स सब में इंपॉर्टेंट होता है इक्वली। तो हम लोगों ने लगभग 600 क्वेश्चंस कर लिया है पार्ट 4। मैंने करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है, करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम्स, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। तो लगभग 1000 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इस सीरीज में, और पूरे आपके जो करंट अफेयर्स हैं आपके यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। 601 आज का 601 क्वेश्चन है, उसके आगे चलते हैं। 600 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। तो मेरा माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या आगे चलते हैं 602 पे। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो 602 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, राजस्थान। अब आगे चलते हैं। विपक्ष के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया है? तो 603 का राइट जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, इंडिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एनी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है भाई? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थलपिल प्रदीप को। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 605 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, विराट कोहली। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 59वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 606 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, कहाँ पे, गुजरात में। अब आगे चलते हैं। इन्वेस्ट इंडिया के नए MD और CEO कौन बनी है भाई? तो इन्वेस्ट इंडिया के, तो 607 का जो राइट का राइट आंसर हो जाएगा डी, निवरूपति राय। अब आगे चलते हैं। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 608 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, शाहरुख खान को। अब आगे चलते हैं। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौ सैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो 609 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ई हो जाएगा, लीचा फ्रेंचेटी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। नई दिल्ली के पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो 610 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, मनसुख मंडावादिया के द्वारा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सेवेलियर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो 611 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ए बी दोनों को। तो शशांक सुब्रमण्यम को भी मिला है और अरुण साईराम को भी। बाकी चलते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो मीथेन से चलने वाला है। तो 612 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, चीन ने। नेक्स्ट है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 613 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मालदीव में। आगे चलते हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो 614 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जापान के साथ। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी नामक योजना किसने शुरू की है? तो कर्नाटक ने। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो जो 616 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 616 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। आगे चलते हैं। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो 617 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मुंबई। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो 618 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, टाटा एंड सन्स। आगे चलते हैं। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जो विंबलडन 2023 है इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 619 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, मार्केटा वोंडरोसोवा। नेक्स्ट है, 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 620 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 620 का हो जाएगा सी, 95वां। बाकी चलते हैं।
631 है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब 621 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो कनाडा ओपन का टाइटल किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। आगे चलते हैं, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो 623 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, जापान। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 624 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, केवड़िया में। नेक्स्ट है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो 625 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 625 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है, आर प्रज्ञा नंदा ने। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो सशक्त महिला ऋण योजना, तो 626 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो 627 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट है, अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किसने की है? तो 628 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, आईडीबीआई बैंक ने। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला कब मनाया जाता है भाई? तो 629 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 जुलाई को। नेक्स्ट है, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रैंड क्रॉस क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, तो 630 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस ने। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी हो जाएगा, 12 जुलाई को। नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो 632 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा बी, एस्ले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 633 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो नाबार्ड ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो 634 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 80वां। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 635 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण कोरिया में। आगे चलते हैं, भारत ने किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो 636 का राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस ने। नेक्स्ट है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो जो 637 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मार्केटा वोंदरोसोवा। आगे चलते हैं, पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया या किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जो 638 हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 639 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गांधीनगर में। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में चाचिंग ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया? तो चाचिंग ग्रांजिंग कहाँ मनाया गया भाई? तो 640 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर ने जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो 641 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वानिंदू हसरंगा, श्रीलंका के। नेक्स्ट है, युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियन को की रिकवर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 642 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, पार्थ सालुंखे। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो जनसंख्या दिवस इसका राइट आंसर हो जाएगा 643 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 11 जुलाई को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 644 का राइट आंसर हो जाएगा बी, के राजा रमन। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए उपाध्यक्ष को अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं भाई? तो 645 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जस्टिस एपी साई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है भाई? तो मोबाइल दोस्त ऐप किसने? जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? तो 647 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 26। नेक्स्ट है,
पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो रजत पदक किसने जीता भाई? तो 648 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, निषाद कुमार ने। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? तो 649 का राइट आंसर हो जाएगा ये, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो 650 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंप्लीफाई ने, सॉरी 650 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, दिल्ली में। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली में। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 651 का सी हो जाएगा, ठीक, सिंप्लीफाई ने। अब आगे चलते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो 652 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, किसको? बजरंग पुनिया को। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो 653 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, विक्टोरिया ने, ठीक है। आगे चलते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो 654 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 655 का राइट आंसर हो जाएगा बी, देवेश उत्तम को। नेक्स्ट है, ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो 656 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 6.4%। आगे चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? तो 657 का राइट आंसर हो जाएगा ये, उत्तराखंड में। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 किसने भाग लिया है भाई? तो 658 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मंगोलिया ने। नेक्स्ट है, ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? तो 659 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पृथ्वीराज टोंडीमन ने। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो नेशनल मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स किसने जारी किया है? तो 660 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो 661 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेट ने। नेक्स्ट है, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 662 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है भाई? तो 663 का राइट आंसर ये हो जाएगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो 666 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो 665 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 126वां। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन जिसको SCO बोलते हैं, 9वां स्थायी सदस्य देश इसका कौन बना है? तो 666 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ईरान बना है। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो 667 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, चेन्नई में। नेक्स्ट है, 668, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो सैफ 2023 चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है भाई, 668 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत ने जीता है सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 669 का राइट आंसर हो जाएगा ये, हम्पी में। आगे चलते हैं, FIH हॉकी प्रीमियर लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो 670 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नीदरलैंड। RBI ने किसे ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है? 671 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है, भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो 672 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पनामा के साथ। नेक्स्ट, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है? तो जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है। तो उबिनास ज्वालामुखी कहाँ पे आई थी? तो 673 हो जाएगा सी, कहाँ पे? पेरू में, ठीक। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? 674 का राइट आंसर हो जाएगा ये, कोयला मंत्रालय। नेक्स्ट, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो 675 का राइट आंसर हो जाएगा ए, केनरा बैंक ने।
आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर बिधान चंद्र राय। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023, तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 677 का बी हो जाएगा, भारत ने। नेक्स्ट है, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो 678 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नाथन लियॉन, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों को निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है भाई? तो 669 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नाइजीरिया। नेक्स्ट चलते हैं, आईआईटी दिल्ली को किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो 680 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अबू धाबी में। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो 681 का राइट आंसर हो जाएगा डी, तंजानिया में। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो 682 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रियांश और अवनीत कौर ने। नेक्स्ट है, AIF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो 683 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लालियान ज्वाला चांते। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो 684 का डी हो जाएगा भाई, आइसलैंड। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 685 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्यन मेहरा ने। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो 686 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर से है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 687 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एस फांगनोन कोन्याक। नेक्स्ट है, अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो 688 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, झारखंड में। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 में मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो भाई चंद्रयान 3 के मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो 689 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, पी वीरा मुथुवेल। यही क्वेश्चन पूछा गया था TRE2 में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो 690 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात से किया है। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी है? तो 691 का राइट आंसर हो जाएगा बी, CSK भाई, द वन एंड ओनली MS धोनी। नेक्स्ट है, किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 692 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पेरू। अब आगे चलते हैं, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो 693 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, रुद्रांश खंडेलवाल ने। आगे चलते हैं, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 694 का राइट आंसर हो जाएगा ये, भारत। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो असम की पहली खिलाड़ी कौन है भाई? तो 695 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उमा छेत्री। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 696 का राइट आंसर हो जाएगा बी, माना पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो 697 का राइट आंसर हो जाएगा ये, भारत। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 698 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अजीत अगरकर। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो 699 का राइट आंसर हो जाएगा डी, EASA। ठीक, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो 700 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अश्विनी वैष्णव ने। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 701 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 127वां। नेक्स्ट है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो 702 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो 703 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, भवानी देवी। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने कैनेडियन ग्रैंड पिक्स का खिताब जीता है? तो 704 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मैक्स वर्स्टप्पन ने। भारत ने किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? तो INS कृपाण किसको उपहार में दिया है? तो 705 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम को। नेक्स्ट है, सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष की प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? तो 706 का हो जाएगा सी, 14वां। 21 जून 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो 707 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 9वां। ठीक है,
कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? तो अमेरिका में कौन बना है भाई? 708 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो 709 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, रजत पदक। नेक्स्ट है, किसे जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 710 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सलमान रश्दी को। यूरोपियन चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है? तो 711 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो 712 का राइट आंसर हो जाएगा पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गेको मिजोरमीस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो 713 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो 714 का हो जाएगा सी, पाकिस्तान। आगे चलते हैं, किस देश ने फुटबॉल का हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो 715 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, भारत ने। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया प्रथम नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो 716 का हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो 717 का हो जाएगा सी, गोवा। किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को ₹10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो 718 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा ने। किस महिला खिलाड़ी ने मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो 719 का राइट आंसर हो जाएगा बी, थिपाचा पुथा वोंग। ठीक, क्या? थिपाचा पुथा वोंग थाईलैंड की हैं। वर्ष 2021 की गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 720 का राइट आंसर हो जाएगा गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? तो 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा भाई? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 का मेंस डबल का कौन सा पदक जीता है? तो 722 का राइट आंसर हो जाएगा ये, स्वर्ण पदक। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो 723 का राइट आंसर हो जाएगा ये, मिस्र ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो 724 का हो जाएगा बी, ईगा स्वेतिक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात और समझौता किया गया है? तो 725 का हो जाएगा ये, नेपाल। किस देश की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नाम का पहल शुरू किया है? तो 726 का हो जाएगा बी, भारत ने। नेक्स्ट है भाई, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश में वृद्धि की है? तो 727 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, चीन ने। पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया है, बताएं कि यहाँ क्या कहाँ यह कहाँ अवस्थित है? तो पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन तो कैपिटल हिल में किया गया है, तो भाई हिल में किया गया है तो कहाँ यह अवस्थित है? तो 728 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। किस राज्य के सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 729 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो 730 का हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में विहू कुहू उत्सव मनाया गया है? तो 731 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिका को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 732 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 732 का हो जाएगा आपका ये, गीता राव गुप्ता। खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो 733 का हो जाएगा सी, ओडिशा से है। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के प्रमाण से सम्मानित किया गया है? तो 734 का राइट आंसर हो जाएगा कभी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। राजस्थान के किस शहर में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? तो 735 का हो जाएगा बी, उदयपुर में। किसने वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है? तो 736 का हो जाएगा ए, ललिता नटराजन ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो 737 का हो जाएगा बी, कोहिमा नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो बी हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं, कौन सा राज्य स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो 739 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। ADB और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 740 का हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश।
किस देश ने भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है भाई? तो 741 बी, चीन ने। किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 742 का, हो जाएगा सी, मुंबई ने। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो 743 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, भारत। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की प्रमुख गुप्त बैठक आयोजित की गई है? तो 744 का हो जाएगा ये, सिंगापुर में। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य, अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 745 का हो जाएगा सी, असम में। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 746 का हो जाएगा बी, तीसरे पे। नेक्स्ट है, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो 747 का हो जाएगा सी, भारत ने। कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो 748 का हो जाएगा ये, यूएई। नेक्स्ट, टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 749 का हो जाएगा ये, नोवाक जोकोविच। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भाई वही अपने योगी जी हैं, और कौन बन सकता है इसमें, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट चलते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर जिसको TIFR ने किस नाम से एक कार्यक्रम शुरुआत की है? तो 751 का हो जाएगा ये, विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विदिन, क्या नाम है, एक्स एक्विदिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? 752 का हो जाएगा ये, चौबटिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो 753 का हो जाएगा बी, एमआरएफ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो 754 का हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो 755 का हो जाएगा बी, तेलंगाना। किससे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो 756 का हो जाएगा सी, टाटा ग्रुप को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो 757 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, केरल को। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किन के द्वारा किया गया? तो 758 का हो जाएगा बी, पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। नेक्स्ट है, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? तो 759 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जम्मू कश्मीर। किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो 760 का राइट आंसर हो जाएगा ये, भारतीय विमानापथ प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो 761 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, नौसेना। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 762 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, किस टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो 763 का हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भारतीय राज्य खुद की इंटरनेट ब्रांड सेवा शुरू करने वाला है? तो 764 का हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा केरल। नेक्स्ट, वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो 765 का हो जाएगा सी, IIT मद्रास को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो 766 का हो जाएगा डी, अहमदनगर का। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो 767 का हो जाएगा बी, सेलेस्टे साउलो। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 767 का हो जाएगा सी, भारत ने। पूरे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? तो 769 का हो जाएगा सी, राजस्थान को। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान T20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 770 का हो जाएगा सी, भोपाल में। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का तीसरी बैठक कहाँ हुई है? तो 771 का हो जाएगा सी, पुणे में। महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो 772 का हो जाएगा ए, महाबलीपुरम में। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा भाई? तो 773 का हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, पाकिस्तान और श्रीलंका में। हाल ही में आयोजित 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 774 का हो जाएगा मध्य प्रदेश को। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने जिलों का नाम बदलकर
सुधार गृह किया है, तो जिलों का नाम बदल कर किया है भाई, 175 का डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा, तो 776 हो जाएगा बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजाबेथ लैंगफोर्ड पुरस्कार किसने जीता है, तो 777 का हो जाएगा ये, रामचंद्र गुहा ने। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरिट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो 778 का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाकिस्तान। दो जून 2023 को किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है, तो 779 का हो जाएगा बी, तेलंगाना ने। किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पीडिनो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है, तो 780 का हो जाएगा सी, बुल्गेरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है, तो 781 हो जाएगा डी, केरल। आगे चलते हैं, 782 है, डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टियल मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है, तो 782 का हो जाएगा बी, उड़ीसा में। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो 783 का हो जाएगा ये, 27 वर्ष बाद। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है, तो 784 का हो जाएगा बी, ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत ने कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा, तो 785 का हो जाएगा आपका सी, 15 पदक पहला स्थान। बिपर जॉय साइक्लोन के नाम किस देश द्वारा रखा गया है, तो इसका हो जाएगा ए, बांग्लादेश के द्वारा। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है, तो नंद बाबा युग्ध भाई यूपी, वन एंड ऑनली यूपी। यूपी कहाँ हो, टिक मार दीजिए आँख बंद करके, बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब 788 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो भाई वन एंड ओनली 788 का हो जाएगा बी, ऋतु कालरा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहां आयोजित हुई है, तो 789 का हो जाएगा ये, नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो 790 का हो जाएगा सी, IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, तो 791 का हो जाएगा ये, डेनिस फ्रांसिस। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में 1450 करोड़ रुपये की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, तो 792 का हो जाएगा आपका बी, असम में। नेक्स्ट है, किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो 793 का हो जाएगा बी, टाटा ग्रुप। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है, तो 794 का हो जाएगा ए, सूरीनाम। नेक्स्ट है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का कौन वर्षगांठ मनाई गई है, तो 795 का हो जाएगा सी, 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया गया है, तो 796 का हो जाएगा ये, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा, तो 797 का हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश का। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा, तो 798 का हो जाएगा ये, भिवंडी महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है, तो 799 का हो जाएगा आपका बी, RBI ने। किस देश का 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना है, तो भाई 800 का बी हो जाएगा, चीन, चाइना। भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है, तो 801 का हो जाएगा बी, सऊदी अरब। किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष बनाने का फैसला किया है, तो 802 का हो जाएगा बी, नेपाल ने। कहाँ स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है, तो 803 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है, तो 804 का हो जाएगा बी, म्यांमार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, तो 805 का हो जाएगा डी, फिजी। नेक्स्ट है, IPL 2023 का खिताब किसने जीता भाई, तो 806 का वन एंड ओनली हो जाएगा आपका डी, चेन्नई। MS धोनी भाई जहां रहेंगे तो वहां तो जीत पक्का है। किस राज्य ने PM जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है, तो 807 का हो जाएगा ए, तेलंगाना। किस देश ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टूफेन लॉन्च किया है, तो 808 का हो जाएगा डी, हो जाएगा तुर्की ने, टूफेन मतलब तुर्की। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया भाई, तो 809 का हो जाएगा ए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
तीसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो 810 का हो जाएगा, वन एंड ओनली यूपी। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो 811 का हो जाएगा बी, रयाना बर्नाबी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 812 का हो जाएगा आपका, 812 का आपका हो जाएगा भाई, 812 का ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें, तो ये एक्चुअली मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये तो अभी क्वेश्चन क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारी सीरीज आएगी वो प्रिपेयर हो रहा है, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, ठीक है, लाइनर वाले, वन लाइनर वाले आएंगे। ये तो प्रैक्टिस के लिए कराया गया, तो 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बाकी मेरी मेहनत अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही मैं फिर ला सकूँ आपके लिए, मोटिवेशन मिलता है। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।